नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 3 मई 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर नीचे दिया गया है। ये देखो, ये हमारी GK की नई सीरीज स्टार्ट हो गई है जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चनों को हिंदी में कवर करते हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये भी न्यूज़ में है, तो ये किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में, ए ऑप्शन उड़ीसा। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है, गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। केरल के बारे में अभी हम सेकंड क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर करेंगे। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया, ए ऑप्शन उड़ीसा फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। ये है उड़ीसा का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया, ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 21 दिसंबर 2022 को राज्य के 19 शहरों में 24x7 पाइप वाली पेयजल परियोजना नल से पानी की शुरुआत की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। खबरों में रहा अस्का पुलिस थाना उड़ीसा में है। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, ये है उड़ीसा की लोकेशन, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उड़ीसा की। भुवनेश्वर कैपिटल है, 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का लेक ये उड़ीसा में है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के किनारे हैं। मंदिर डैम शंख रिवर के किनारे हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गही माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राउरकेला, इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा का स्टेट एनिमल है सामर डियर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। तो ये बात करी हमने उड़ीसा के बारे में। सेकंड क्वेश्चन, सेंटियागो पैना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये अभी पैराग्वे के वहाँ पर इलेक्शन हुए और वहाँ पर ये नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया है, सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है सुनशियोन, ये कैपिटल है, यही लार्जेस्ट सिटी है। गुरानी इसकी क्या है, करेंसी है। और अभी जो पुराने प्रेसिडेंट हैं ये है मारियो एब्डो बेनिट्स। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है, लार्जेस्ट सिटी है दर एस सलाम, तंजानियन शिलिंग करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर है काशिम मजालिवा, प्रेसिडेंट है सामिया सुलू हसन। मोसाम्बिक की जो कैपिटल है ये है मापूटो, यही लार्जेस्ट सिटी है। मेडिकल करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है एड्रियानो मेलेनी और प्रेसिडेंट है फिलिपी नियूसी। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, यही लार्जेस्ट सिटी है। यूरो करेंसी है, प्रेसिडेंट है सोली निनिस्टो, प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन। तो सी ऑप्शन पैराग्वे सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया केरल राज्य में, सी ऑप्शन केरल। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात की जो सरकार है इसने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वतधारा योजना को स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना को स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया ऐप इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने कुंज ऐप इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने वन स्कूल वन IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया, सी ऑप्शन केरल। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है, ये केरल की लोकेशन देखिए आप, कर्नाटका तमिलनाडु, 2 राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं।
1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अस्तमुड़ी लेक, पेरे लेक, वेम्बर लेक, पैरावोर लेक, चारों लेक केरल राज्य में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है। जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सारसा वेंकट नारायण भाट्टी। यहाँ पे केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। नेशनल पार्क की बात करें, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड सेंचुरी और नेर वाइल्ड सेंचुरी। तो ये बात करी हमने केरल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी 2023 में मनाया गया 2 मई को। ये मनाया जाता है जो हर साल मई में जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है उस दिन मनाया जाता है, यानी मई के पहले मंगलवार को। तो ये पड़ा 2023 में 2 मई को, तो ये कल मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस। तो सी ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। 1 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे ये मनाया गया। 28 अप्रैल 2023 को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल 2023 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया गया। सी ऑप्शन 2 मई विश्व अस्थमा दिवस, ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो देखो प्लेयर न्यूज़ में हो उसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चिराग शेट्टी का जो संबंध है ये है बैडमिंटन से, यानी डी ऑप्शन बैडमिंटन जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को और 1 मई को। अभी हमने कवर किया था 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये मनाया जाता है। और 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस, यानी सी ऑप्शन जो है 30 अप्रैल, ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? हु वाज द विनर ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023? तो बताइए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है? तो ये जीती है डिंग लीरेन ने। देखो नाम डिफिकल्ट है लेकिन एक बार आप नज़र में देखिएगा, डिंग लीरेन, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 को अपने नाम किया है, यानी बी ऑप्शन जो है डिंग लीरेन, ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।